हाँ चुनाव बढ़ने तो दीजिए, इस समय मोदी लहर है और मोदी लहर में केसरीनाथ त्रिपाठी जी का परिवार भी कम नहीं, और फिर हम लोग सब लगेंगे, हम कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत करने वाली पार्टी है और आपने देखा है कि उम्मीदवार नहीं भी था तो भी पूरी पार्टी सक्रिय थी, बूथ तक काम चल रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उसका कार्यकर्ता लड़ता है, एक अच्छे छवि का अगर हमें प्रत्याशी मिल जाए तो चार चांद। नहीं बोलने का ये कटने वाली बात आप सही नहीं कह रहे हैं। देखिए परिस्थितियों में नेतृत्व निर्णय लेता है और जो निर्णय लेता है वो पार्टी की और देश के हक में होता है। मैं समझती हूँ कि ये राजनीति बड़ी परिवर्तनशील व्यवस्था है और अगर आज नीरज त्रिपाठी जी को टिकट दिया गया है तो सोच समझ के दिया गया। मैं केंद्र से अपने केंद्रीय नेतृत्व की के निर्णय का सम्मान करती हूँ और पूरी दम से पार्टी के लिए काम करूंगी और बड़ी बहुमत से ये सीट जीत के अपनी पार्टी की झोली में डाल। देखिए अगर नहीं होता तो हमको क्यों आरक्षण मिला और क्यों महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं थी केंद्र की सब महिलाएं ही केंद्रित हुई, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे हमारे ये आपका गोल्डन कार्ड हो या फिर आपका आपका कोई भी जो भी योजनाएं थी सब चूल्हा हो, सभी महिलाओं के नाम से है। और यहाँ तक कि अगर संपत्ति कोई महिला के नाम से खरीदे तो उसमें ज़बरदस्त रिबेट भी है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो महिला सेंट्रिक है, तो ये कहना कि सम्मानित 16% से ज़्यादा सीटें महिलाओं को दी गई हैं जो कि हर दल से ज़्यादा हैं और आने वाले 3-4 साल में तो हम लोग फिर महिलाएँ 33% के अपने आंकड़े को प्राप्त करेंगी। तो हम आभारी हैं मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के और अपने पूरे सरकार के कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और उसका नतीजा आपको 25 चुनाव में जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी उसमें दिखाई देगा।